अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ से आज अडोब फोटोशॉप CSS के एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बैल के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया है। आज हमने ब्लर टूल्स, शार्पन टूल और समझ टूल या जो भी है, इन तीन टूल और डूडल और बर्न टूल और इन छह टूल पर आज हम इंशाल्लाह बहुत ही आराम से बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से कोई तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कोई तस्वीर ले, मैं सबसे पहले इसकी एक लेयर बना लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से, अगर मैं इसकी किसी भी जगह को ब्लर करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले ब्लर को क्लिक करता हूँ और आपने अब देखना है दोस्तों। आप यहाँ से ब्लर को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो। ये देखें दोस्तों, आपको फर्क को नज़र आ रहा होगा, आप देखना दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आप इसको मज़ीद भी, अगर इसकी किसी भी जगह को ब्लर करना चाहें तो आप इजीली ब्लर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, अगर आपने अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज किया है तो उस पर भी ब्लर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू, और मैं यहाँ से इसको यहाँ से बैकग्राउंड इसका चेंज करता हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ और मैं इसके कोनों को थोड़ा ब्लर कर देता हूँ ताकि मेरी तस्वीर की लुक प्रोफेशनल बन जाए। यहाँ से मैं इस तरह कर लूँगा और यहाँ से मैं ब्लर टूल क्लिक करता हूँ। ये देखो दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं और इसको किसी भी जगह को ब्लर करना हो तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसके साथ शार्पनर। दोस्तों इसमें अगर तस्वीर में आप किसी भी जगह में शार्पनर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। ये देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर वाज़ फ़र्क नज़र आ रहा। ये देखो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, आपने इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना, 50% रख के इसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ थोड़ी बहुत शार्पनेस के लिए। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ। इस तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर, उसके साथ है स्मज टूल। इसको आप दोस्तों अपनी तस्वीर में अपने हेयर्स को इफेक्ट या स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह के कोई भी इफेक्ट आप अपने पिक्चर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर इस जगह को यहाँ से थोड़ा बढ़ाना चाहूँ इस तरह भी मैं इसको कर सकता हूँ। ये देखो दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट टूल है डूडल या जो भी है दोस्तों, आप ने देख लेना है। इससे हम अगर किसी भी जगह को वाइट करना चाहें तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर इस तरह कर ले, इस तरह कर लेता हूँ। फर्ज क्या, मैं इसको यहाँ से वाइट करना। ये देखो दोस्तों, अब हमारी ये भी देखो और ये देखो, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। आप जितना इसको वाइट करना चाहें तो इजीली यहाँ से वाइट कर सकते हैं, आप देखना दोस्तों। ये देखो, और इसके साथ नेक्स्ट टूल है बर्न। अगर मैं इसके हेयर यहाँ से ब्लैक करना चाहूँ तो इजीली ब्लैक कर सकता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस टूल की मदद से मैं इसके हेयर ब्लर कर दूंगा। अब देखें दोस्तों, पहले कैसे थे और बाद में कैसे हुए। यू कैन डू इट इजीली दोस्तों। लर्न
तो स्किल कोई भी स्किल सीखना लाजमी है दोस्तों। कंप्यूटर की दुनिया में नेटवर्क भी इसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन ये भी इसके साथ और ब्रश होते हैं उनको इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।